रजीम शैतवानरज़ीम बिमिल्लर रहीम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों वालेकुम मैं हूँ आपका मेज़बान अली शाह मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद केता प्रोग्राम देखने का सब्सक्राइब करने का शिक्रिया बसमिल्ल रहीम आज हम बनाएंगे अंडे के पकौड़े ये तीन अंडे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे है और ये उसके बाकी मसाले हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर गरम मसाला साबित धनिया साबित ज़ीरा कुटी हुई लाल मिर्ची नमक टमाटर प्याज हरी मिर्ची इन सब चीज़ों को मिलाते हैं और अंडे वाले पकौड़े बनाते हैं दिखाते हैं आपको जी पकौड़े के लिए बेसन बनाते हैं, है, डालते हैं रहमान रहीम, नमक डालेंगे अजवाइन का आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर आधा चम्मच मिर्ची पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला साबित धनिया दो चमचे साबित जीरा एक चम्मच कुटी हुई मिर्ची एक चम्मच टमाटर प्याज हरी मिर्ची पानी डालेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मिलाएंगे हल्का सा पानी और डालेंगे अलहमदल बेसन बन गया अभी इसको रखेंगे तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट और जब पकाएंगे तो ये उबले हुए अंडे थे इसको इसी तरीके से काट लिया ये उस टाइम पे डालेंगे ये जी बेसन को और टमाटर प्याज जो बीच में मिलाए हुए थे तकरीबन बीस मिनट हो गए इसको रखे हुए अभी बीच में डालते हैं ये अंडे इसको छोटे छोटे पीस में काट के इसमें डालते हैं रहीम मिलाएंगे साथ में इस तरीके से तेल में डालते हैं रहमान रहीम फ्राई करते हैं। जी अलहमदिल्ला पकौड़े फ्राई हो गए निकालते हैं बार बिस्मिल रही माशा माशाल्लाह पकौड़े का कलर देखें कितना बेहतरीन लग रहा है और बहुत ही नरम सेट पे रखते हैं Och bakande dålig. İsmi rahman, rahim. इसको भी फ्राई करके दिखाते हैं आपको जी जी ये पकौड़े बन गए निकालते हैं बार बिस्मिल्ल रन रहीम माशाल्लाह आप कलर देखें और पकौड़े को देखें इसको डालते हैं प्लेट में दिखाते हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अंडे वाले पकोड़े बन गए ये नींबू है साथ में दिखाते हैं आपको पकोड़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देखिए पकोड़े बहुत ही नरम देखिए नरम दही की चटनी मिर्ची वाली साथ में केचप आप भी बनाएं इसी तरीके से ऐसे ही मसालों में इनशाला आपके पकौड़े लाजवाब होंगे अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का शुक्रिया हमारे प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त अपना ख्याल रखें अपने पड़ोस का ख्याल रखें अपने बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें और हमें अपने दुआओं में याद रखें अल्लाह पे शुक्रिया